चुनाव में मिली करारी हार के बाद से कमलनाथ का राजनीतिक सफर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के करीबी एक एक कर उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं अब हाल ही के दिनों में हुए लोकसभा चुनाव भी कमलनाथ के लिए कुछ ठीक नहीं रहे, जहां भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही सेंधमारी कर कमलनाथ को उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका दिया, तो वहीं उनके करीबियों को भी पाला बदलने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अब एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कमलनाथ को झटका देने की तैयारी भाजपा की ओर से कर ली गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अपने करीबियों को भाजपा में जाता देख कमलनाथ कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए थे। ऐसे में अब भाजपा एक बार फिर कमलनाथ को झटका देने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं, जिसका खामियाजा ये रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट छिंदवाड़ा भी इस चुनाव में बीजेपी के पाले में चली गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ को उनके सबसे करीबी अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह ने बड़ा झटका दिया था। अब एक झटके को लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं तेज हो चली है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छिंदवाड़ा जिले की परासिया से विधायक सोहन वाल्मीकि की मुलाकात के बाद कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अमरवाड़ा के बाद अब बीजेपी की निगाह परासिया पर टिकी हुई है। इसको लेकर कई चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। विधायक सोहन वाल्मीकि ने सीएम से मुलाकात कर परासिया को जिला बनाने की मांग की है, साथ ही विकास के कामों को लेकर पत्र भी सीएम को सौंपा है। बता दें कि जुन्नार देव के बाद अब परासिया को जिला बनाने की मांग होने लगी है। जब इस बारे में विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, एक जनप्रतिनिधि के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे, क्योंकि जुन्नार देव को जिला बनाने की बात चल रही है, जबकि परासिया जिला बनने की सभी खूबियां रखता है, इसीलिए उन्होंने जुन्नार देव की अपेक्षा परासिया को जिला बनाने के लिए सीएम से मांग की है। अब देखना होगा कि क्या सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यह मुलाकात कांग्रेस और कमलनाथ को एक झटका देने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं।